एनडीए में शुरू हुई बगावत, क्या सभी दलों के बीच तालमेल बिठा पाएगी भाजपा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का स्पेशल शो बिहार के चौसर और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए 2025 के चुनाव को लेकर एनडीए में अभी से ही सीटों को लेकर अनबन शुरू हो गई है। भाजपा के सहयोगी दल अभी से ही अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और बगावत भी चालू कर दी है। सबसे पहले तो चिराग पासवान ने मटिहारी सीट से अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कह डाली। उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं हो सकता और अब वह अपनी बातों पर कायम भी है। एक बार आप खुद देखिए ये वीडियो कि आज पटना पहुंचने पर उन्होंने क्या कुछ कहा। लोकसभा चुनाव में सीटों को कम आया, उस पर आपने प्रतिक्रिया दी है? नहीं, लोकसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा चुनाव बीत गया, लोकसभा चुनाव के अनुभवों को देखकर उससे लाभ लेते हुए विधानसभा चुनाव में पूरा दुरुस्त होकर एनडीए मजबूती से आएगा, लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा। राहुल गांधी जी ने विदेश में जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात की है। उनका जो बयान आया है उससे कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन का चेहरा, चाल चरित्र क्या है, उजागर हुआ है। इन लोगों ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। अभी यहाँ आरक्षण के हितैषी होने की नौटंकी करते देश में घूम रहे हैं, लेकिन असली चेहरा वहाँ उन्होंने उजागर कर दिया है। अब आरजेडी के नेता लालू यादव जी से, तेजस्वी से हम कहना चाहते हैं कि अब एक तरफ आप बिहार में आरक्षण की बात करते हैं, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने उस आरक्षण को समाप्त करने की बात की है। अब क्या करेंगे ये लोग, राहुल जी के खिलाफ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, अब यह देखना। सबसे पहले तो बता दें कि आने वाले विधानसभा में हिस्सेदारी को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अभी से ही मोर्चा खोल दिया। ऐसा इसलिए कि अभी से ही एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो जाए। लोकसभा के चुनाव में मात खाए उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि सीटों के बंटवारे शीघ्र हो जाए ताकि उनकी पार्टी वहां से तैयारी कर सके। दरअसल बीते दो दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे बयान दिए हैं जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है और लोगों का मानना है कि राज्यसभा जाने के बाद से उपेंद्र कुशवाहा के तेवर जो हैं बदल गए हैं। दरअसल राज्य में एनडीए की राजनीति कुछ ठीक नहीं चल रही। अभी विधानसभा चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन सीटों की हिस्सेदारी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने मुखर होकर आवाज उठा दी। लेकिन हिस्सेदारी की इस लड़ाई में खुलकर राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना फॉर्मूला जग जाहिर कर दिया। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव की तैयारी की एक वानगी पेश कर दी है। उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अलग होता है, इसलिए लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि लोकसभा के आधार पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता क्योंकि दोनों के समीकरण अलग अलग होते हैं। और उसके बाद से इस बात की चर्चा काफी तेज थी कि राज्यसभा जाने के बाद से अब उपेंद्र कुशवाहा फिर से बागी तेवर अपना रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने इन सबके बावजूद, ऐसी खबरें चलने के बावजूद भी अपने स्टैंड को बदला नहीं है और फिर से आज जब वह पटना पहुंचे हैं और पत्रकारों ने वही सवाल दोहराया तो फिर से वह वही स्टैंड लेते हुए कहते हुए नजर आए कि सही बात है कि लोकसभा चुनाव के आधार पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता और उस फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान भी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का मानना है कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है तो उन्हें भी उसी आधार पर सीटें मिलनी चाहिए। चिराग का अलग कहना है कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है उनकी पार्टी ने दी है तो उनको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए और अब इसी में उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी बातें सामने रख दी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा किस तरीके से इस उलझे हुए मामले को सुलझाती है। लेकिन इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।